अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं अपनी एफिलिएट ब्लॉग के लिए। तो ये एक ऐसा ट्यूटोरियल है जो मुझे आज से एक माह पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन सॉरी मसरूफियात की वजह से बना नहीं सका। तो इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको कभी भी ज़िंदगी में लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करने में मुश्किलात नहीं पेश आएंगी। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो गूगल कीवर्ड प्लानर है। अगर आप इसके ऊपर को थोड़ी बहुत स्पेंडिंग कर लें तो आपको एग्जैक्ट सर्च रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे, या फिर आप ऐसे करें कि कीवर्ड्स एवरीवेयर की सब्सक्रिप्शन बाय कर लें। तो उसके अलावा एचरफ्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हमने सबसे पहले जाना है कीवर्ड प्लानर के ऊपर, या आप गूगल के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं बाय की कीवर्ड्स एवरीवेयर की, तो आप फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी जो नीच है उसके मुतल्लक ब्रांड कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब मेरी गेमिंग टेक के रेलिवेंट नीच है, तो अब इसमें मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड्स, जीपीयू, एपीयू, पीएसयू, मॉनिटर्स वगैरह वगैरह इस तरह की टर्म्स होंगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट मदरबोर्ड। गूगल के ऊपर भी लिख दें। तो उसके अलावा ये एक एक्सटेंशन है गूगल की एसईओ क्विक, इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। आपने ना नोट पैड ओपन करना है। उसके बाद आप जब सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको रेलिवेंट टर्म्स नज़र आएंगी, मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। आपने इनमें से किसी भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को सर्च करना है, और यहाँ पे कुछ डोमेन्स आ जाएंगी। आपने इनमें से जितने ज़्यादा रिसेंट ईयर्स की डोमेन होगी उसमें उतने ज़्यादा चांसेस हैं लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स फाइंड करने के। अब ये आपने कोशिश करनी है कि लास्ट 4 ईयर्स में जितने भी डोमेन्स हैं उनको लिस्ट में इंक्लूड करें। ये हो गया। इसके अलावा ये देखें, ये 2020 की बनी हुई है, ऐसे भी इंक्लूड करेंगे। ये जो है ना, ये तरीका, ये बेसिकली हर नीच के लिए है। इसको आप किसी भी नीच के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें, ये भी 2 साल पहले की है। आपने 15 से 20 इस तरह की वेबसाइट फाइंड कर लेनी है। अब मैं किसी और कीवर्ड के ऊपर जाऊंगा। अब यहां से ये i7, तो ये देखें, ये भी 2019 की है, ऐसे भी किया कॉपी। अब ये वो कंप्यूटर हैं जिनकी बैकलिंक प्रोफाइल को भी हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब ये भी एक वेबसाइट है जो रिसेंटली क्रिएट हुई है।
ये भी एक वेबसाइट है। उसके बाद गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाते हैं, यहाँ से भी हमें काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये इसे सर्च करें, यहाँ से भी एज देखेंगे हम, ये भी एक वेबसाइट है। न्यू बाइस के लिए रेकमेंडेड है कि वो जो लास्ट 2 ईयर्स में बनी है सिर्फ उनको पकड़ें, और ये हर नीज के लिए है बेसिकली। ये मतलब आपको अगर कुछ जनरल टर्म्स आती हैं तो उनको इस्तेमाल करें। ये जब आप क्लाइंट ऐसे शुरू करते हो तो उसमें भी जो कीवर्ड रिसर्च के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो यही करते हैं हम। अच्छा जी, 10 हो गई हैं, इन्हें अब हम कॉपी करते हैं और यहाँ से जाएंगे बैच एनालिसिस, यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इन्हें करेंगे सॉर्ट बाय ट्रैफिक, तो ये देख सकते हैं आप इसका DR बहुत ज़्यादा थोड़ा है और ये ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा ले रही है। उसके बैक लिंक्स इंशाल्लाह जो 1-2 वीडियोस आगे आएंगी उनमें मैं आपको इन सारे कॉम्पिटिटर्स के बैक लिंक भी रेप्लिकेट करना सिखाऊंगा कि किस तरह आप इनकी प्रोफाइल को एनालाइज करके वहाँ से बैक लिंक्स बना सकते हैं। मेरे ऑलरेडी ट्यूटोरियल हैं, लेकिन ये सीरीज़ की वजह से हम अपने आर्टिकल को रैंक अप करने के लिए इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तरीके अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम ओपन करेंगे इसके कीवर्ड्स, जो न्यू वेबसाइट होती है ना उसके लिए आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि न्यू वेबसाइट में हमेशा हम 0 KD वाले कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स आ गए, अब आप देख सकते हैं कि इसमें काफी ज्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली मैनुअल कीवर्ड कंपटीशन, मतलब आप मैनुअली किस तरह कंपटीशन चेक कर सकते हैं, तो आपने उसके जरिए वहां से जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 हुई वो चीज़ें देखनी है सर्च में। मतलब आपको कोई फॉरम वगैरह नज़र आता है या कोई इस तरह की चीज़ें जो मैंने उस वीडियो में बताई थी वो आपने सारी एनालाइज करके तो फिर कीवर्ड सेलेक्ट करना है। अब हम यहाँ से कोई ये जो कीवर्ड है, अब इसके ऊपर रिसेंटली आर्टिकल भी हमने लिखा है लेकिन इस पे काफ़ी हद तक कॉम्पिटिशन है, उसके मुकाबले में हम किसी और आर्टिकल को देखते हैं। अब ये देखें, ये परफेक्ट कीवर्ड है जिसके ऊपर आप फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर सकते हैं। इसमें ये रेडिट का कचरा भी रैंक कर रहा है और ये फोरम का कचरा भी रैंक कर रहा है, वीडियोस भी हैं, फोरम्स भी हैं, मतलब क्विरा भी है, और ये मेरी नज़र में ये अखीर हद का लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है और इस पे आराम से रैंक किया जा सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ आपको एफिलिएट कीवर्ड शो हो, आप
सॉरी, ये बार की वजह से थोड़ा बग हो गया, तो वैसे मैं इसे डिसेबल ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे बेस्ट। अब ये 2000 कीवर्ड्स आ गए हैं और ये 2000 जो हैं ये सारे कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड हैं, मतलब इनके ऊपर एफिलिएट आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब 2-2500 आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल गए हैं जो लो कॉम्पिटिटिव हैं, जिनके ऊपर आसानी से रैंक किया जा सकता है। अब इनमें से किसी को लिखते हैं गूगल के ऊपर। तो ये देखें, ये इधर रेडिट रैंक कर रहा है, मतलब इससे इस पे रैंक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब फर्स्ट टॉप 10 में आना। उसके अलावा किसी और कीवर्ड को देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये सही पकड़ लें। तो ये देखें, मतलब ये इंतहाई हद के लो कंपटीशन है, और इनमें अगर आप देखें तो किसी को बैक लिंक्स देखें, सबको 0-0 बैक लिंक्स है। अगर आपको 2-4 बैक लिंक्स भी होना, तो आप इन सबको कम्पीट कर सकते हैं और पहले नंबर पे रैंक कर सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस वीडियो को बेकार नहीं समझेंगे। मुझे पता है हमारे, मतलब मेरी नज़र में तो ये एक बेहतरीन तरीन ट्रिक है, और अगर आप लाखों डॉलर की एक वेबसाइट ओपन करना चाहें तो वो भी इसे कर सकते हैं, इस मेथड को फॉलो करके। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और ये वीडियो इंशाल्लाह अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाएं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कीवर्ड रिसर्च करनी मुश्किल नहीं रहेगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी की वीडियो बना सकें। अल्लाह हाफिज़। स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल बिल्कुल मुफ्त, वर्डप्रेस, एसईओ, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें एसईओ मास्टर्स अकेडमी, और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें।